क्या ये गलत है प्रियंका जी कहना कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है? क्या हम ये कहना बंद कर देंगे कि पीओके हमारा हिस्सा है? क्या हम ये बोलना बंद कर दें प्रियंका जी? और अगर हम ये बोले तो गठबंधन के नेता ये कहेंगे कि उन्होंने चूड़ियां थोड़ी पहनी है, वो तो एटम बम गिरा देंगे। ये बयान आप सोच कर देखिए, एक हिंदुस्तानी होने के नाते क्या आप ये कहेंगी कि हाँ पीओके तो हमारा नहीं है और हम उनके एटम बम का डर देखते रहेंगे? चारिता जी, हाँ 10 सेकंड। सुचारिता जी बोलिए। हेमंत करकरे को मेरा श्राप लगा ऐसा कहने वाली प्रज्ञा जी थी, प्रज्ञा ठाकुर, ये भूलिएगा मत। हमारे शहीद हेमंत करकरे जी को क्या बोला उन्होंने, ये इसको मेरा श्राप लग गया। अब मैं बात करती हूँ दलितों की, क्योंकि पाकिस्तान मुद्दा नहीं है हमारा, मुद्दा है कि हमारा दलितों का अधिकार, पिछड़ों का अधिकार कैसे डकार रहे हैं लोग, कैसे चिराग पासवान ने बोल दिया कि संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। आप जाकर आरक्षित सीट पर लड़िएगा और संपन्न दलित छोड़ दिया आरक्षण, बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार है आरक्षण। जिस तरीके से ये लोग सोशल स्टेटस के नाम पर, हमारे सामाजिक समीकरण के नाम पर हमसे भेदभाव करते हैं, जिस तरह से ये शर्मा प्रवक्ता या भाजपा का चन्नी को चवन्नी कह देता है और लाली जी के इस तरह से बेइज्जत करता है, उसी से बचाने के लिए भाजपा, इसी से बचाने के लिए, भाजपा की इन दंगाइयों से बचाने के लिए हमें बाबा साहब ने आरक्षण का औजार दिया, हथियार दिया। इसको खत्म करने की जो बात करेगा, संविधान को खत्म करने की जो भाजपा बात करेगा। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ प्रियंका जी, मैं एक सवाल आपको पूछना चाह रही हूँ। चन्नी जी के लिए मैं किसी के लिए भी किसी तरह के अपशब्दों के खिलाफ रहती हूँ हमेशा। जो लोग मेरा शो देखते हैं, जो लोग महाभारत देखते हैं, वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं, बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप इतनी नाराज है कि चन्नी जी को ये कह दिया वो एक दलित नेता है, आप इस बात से नाराज नहीं है कि चन्नी जी ने शहादत को लेकर स्टंटबाजी कह दी? मुझे हैरानी है आपने एक बार ये नहीं बोला कि चन्नी जी कैसे कह सकते हैं कि जो हपुंझम में हमला हुआ वो स्टंट है? आपको गुस्सा उस पर नहीं आता है? आप इतना बोल रही हैं, इतनी जोर जोर से गुस्सा हो रही है चन्नी जी के लिए, लेकिन जो शहीद हुए उनको स्टंटबाजी कहा जा रहा है और आप चुप हैं? आप एंकर बैठी हुई हैं और आप इसको कंडम नहीं करती हैं, आप बोलिए क्या कंडम स्टेटमेंट? मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना प्रियंका जी, आपको दुख हुआ है? मेरे सवाल, आप भी बहुत कुछ कहती है मोदी जी के लिए, वो भी कहते हैं आपके नेता के लिए, तो मैं सबको शिष्टाचार का पाठ पढ़ाऊं यहाँ बैठकर? ये आप लोग नेता हैं, आपको पता होना चाहिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल होना है। मैं यहाँ पढ़ाने तो नहीं बैठी हूँ ना प्रियंका जी, सवाल का जवाब दीजिए। आपको चन्नी जी के शब्द बहुत अच्छे लगे, स्टंटबाजी है? मैं एक जवाब देना चाहता हूँ सुचेता जी, मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। अच्छा, आप इस बात प्रियंका जी के, मैं दुष्यंत जी के पास चाहता हूँ, बोलिए जल्दी से, बोलिए दुष्यंत जी के पास। सुचेता जी, मैं एक जवाब दे देता हूँ, फिर इसके बाद आप बुलवा लीजिए। बोलिए सुचेता जी, आप एक जवाब दे देता हूँ, बहुत आरोप लगा। देखिए स्वाभाविक रूप से इस देश के जवानों के मेरे खून से रंग मेरे से एक सेकंड दुष्यंत जी चुप रहो। टीवी फोड़ के बाहर थोड़ी ना आ जाओगी। अच्छा, इस फोड़ के बाहर महिला के लिए ऐसी संज्ञा है, ऐसे नहीं, ऐसे कहता हूँ। बोलिए बोलिए, भाषा का प्रयोग होना चाहिए। हाँ, देखिए स्वाभाविक रूप से एक स्लिप ऑफ टंग होता है, क्योंकि चन्नी जो सरनेम है वो थोड़ा बोलने में हमें टिपिकल हो, तो ये कोई डेलिबरेटली मैंने नहीं बोला है। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव को इस तरह से अपमानित कर रहे हैं। अरे भाई, तो भ्रष्टाचार में सजा याफ्ता है, जेल हुई है उसे, लालू प्रसाद यादव को, पिछड़े वर्ग के है तो इसका क्या मतलब है? किसी वर्ग के रहे, यदि भ्रष्टाचार किया है, गाय भैंस के चारे पे घोटाला किया है, यदि डामर घोटाला किया है, नौकरी देने के बदले में लोगों से जो लोगों की जमीन लिखवा लिया है, उसका हमने सजा दिया है क्या? न्यायालय ने सजा दिया है, और इस हद की सजा दिया है कि मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते लालू यादव, उसका इत्यादि परिवार आज जो है उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप में जेल से बेल पर है, तो भ्रष्टाचार के मामले पर दिलीप रे, उसमें जाति का क्या अंतर होता है? दिलीप रे जी को सजा अधिकार मिल गया है क्या? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अधिकार मिल गया है कि किसी जाति के है तो इसमें यह जाति के लोग भ्रष्टाचार कर लेंगे?
इस देश के लोग गरीब पीड़ितों का शोषितों का पैसा खा जाएंगे। शर्मा जी हाँ बोलिए, केंद्रीय मंत्री होते हुए केंद्रीय कोयला दिलीप रे जी को भी जो है सजा सुनाई गई कोयला घोटाले में आरोप साबित हुआ। देश में मोदी जी की सरकार है के अंदर कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, भारतीय भ्रष्टाचारी नहीं अध्यक्ष छोड़ेंगे भी नहीं उसको। कैमरे पे देखा पूरे देश ने, लेकिन उनकी बात नहीं करते। पिछड़े वर्ग से आने वाले लालू जी का उन्नयन और जो उन्होंने ओबीसी का सशक्तिकरण किया है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की नहीं बात करो। पर शर्मा जी जो भ्रष्टाचार में जेल से बेल बर्दाश्त करना सीखिए। अरे माँ बेटे जो दोनों जेल से बेल में उसकी भी बात करो। और पिछड़े का पिछड़े अरे माँ बेटे दोनों जेल से बेल में पिछड़ी जाति से कुछ नहीं होता है। सेंसस होगा और पिछड़े वर्ग का आरक्षण 55% होगा, आर्थिक सर्वे होगा। आप पिछड़ों को अपमानित करने के लिए बार बार आदरणीय श्री लालू जी पर आरोप लगाते हैं। अच्छा इसी डिबेट में आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक मिनट रुक जाइए। दुष्यंत जी, केके शर्मा जी, दुष्यंत जी, आई विल हैव टू टेक यू ऑफ एयर प्लीज, एक एक करके मैं आप दोनों से कह रही हूँ। दुष्यंत जी, मैं देश को बताना चाहता हूँ, जो नहीं सुनेगा मैं स्क्रीन पर नहीं रखूंगी। संपन्न धीरेन्द्र जी के पास जाइए और अखिल जी को लीजिए। धीरेन्द्र जी और अखिल जी को लगातार नहीं आप, मैं बार बार नहीं बोलूंगी। धीरेन्द्र जी और अखिल जी को रखिए, जो आपको चिल्लाना है फिर आप चिल्लाते रहिए, मैं इस तरह से बात नहीं करती हूँ। एक एक करके बात करेंगे एंड प्लीज लिसन टू द क्वेश्चन। यहाँ पर ये नहीं है कि अपनी मन मर्जी जो आ रहा है बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, चिल्लाते जा रहे हैं। मैं एक चीज पूछ रही हूँ, चन्नी साहब ने जो बोला, और मैं प्रोफेसर स्वामी उम्मीद कर रही हूँ कि उस पर टॉपिक पर रहेंगे हम, घुमा फिरा के और 10 जगह नहीं जाएंगे। चन्नी साहब ने जो बोला है वो शहादत जो हुई पुंछ में जो हमला हुआ उसको ये कहना कि एक स्टंटबाजी थी, ये स्टंट करते हैं चुनावों के समय, ये पहले भी ऐसे स्टंट करते रहे हैं, वहां पर एक जवान शहीद हो गए हैं, इस बयान पर मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है चन्नी साहब को शायद ज्यादा अफसोस हो रहा होगा, बाकी सब तो उसको डिफेंड करने में लग गए। अब देखिए छोटी छोटी चीजों पर जांच हो जाती है। पुलवामा के अंदर हमारे जवानों की शहादत हुई, आज तक ये जांच नहीं हुई कि आरडीएक्स आया कैसे, कौन लाया, कैसे जीप को इंटरसेप्ट नहीं किया जो सतपाल मलिक ने कहा। हमारे वीर जानों की शहादत ने ये प्रश्न तो मेरे दिमाग में भी उठा दिया है, क्या वो प्रायोजित था, क्योंकि जवानों की शहादत से खून का उपयोग किया गया। मेरे वीर जवानों को जो बेचारे उनके परिवारों से मैं मिला, उनकी पत्नियां उनके बच्चों से मैं मिला, जब चीथड़े उन्होंने अपने बाप के देखे, 5 साल 6 साल हो गए आज तक जाँच नहीं हुई, आज तक ये पता चलाने का प्रयास नहीं हुआ कि आरडीएक्स आया कैसे था। जब सतपाल मलिक कहते हैं वो बिल्कुल कन्वॉय के अंदर जाके उसने अटैक किया, हवाई जहाज मांगे थे उन्होंने, हवाई जहाज नहीं दिया गया। देखिए ये बिल्कुल पक्की बात है, छोटी छोटी चीज। और ये रामविलास पासवान की बात कर रहे हैं, धीरेन्द्र जी को लाइए, धीरेन्द्र जी को लाइए, धीरेन्द्र जी के पास। जब उनकी फोटो को जूते से कुचला गया था, जब उनके मकान को खाली कराया गया था, ये जो एलजेपी के लोग हैं इनको शर्म आनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ अपमान हो रहा है, बाबा साहब गांव गांव के अंदर प्रभात फेरियां निकल रही हैं, संविधान की हत्या हम नहीं होने देंगे, इस देश के अंदर संविधान को छूने नहीं देंगे। ये लोग जो षड्यंत्र यहाँ मनुवाद का स्थापित करना चाहते हैं, पिछड़ों को दलितों को अधिकार मिलेगा।